गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर एक एग्जांपल करें। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 11 है। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 इफ द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो आइए इसका सोल्यूशन करें। इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं। सबसे पहले हम मेथड वन डिस्कस करते हैं। मेथड वन, आपको 100 और 1000 के बीच वो सारे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि इन डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। 100 और 1000 के बीच कौन से नंबर होंगे? थ्री डिजिट नंबर, इजंट इट? 101, 102, 999, थ्री डिजिट नंबर। सो एवरी नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 इज अ थ्री डिजिट नंबर। ओके, और हमारे पास कितने डिजिट हैं जिससे हमें नंबर फॉर्म करना है? 6 डिजिट। तो हमें 6 डिजिट में से 3 डिजिट चूज करके नंबर फॉर्म करने हैं। तो इसके कितने तरीके होंगे? 6p3, isn't it? So number of permutation obtained from 6 digit taken 3 at time क्या होगा? 6p3। और वो 6 डिजिट कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन सारे परम्यूटेशंस में से वो परम्यूटेशन भी होंगे जिनमें कि 0 फर्स्ट प्लेस पर होगा। दैट मीन्स ये नंबर भी हो सकते हैं 0, 4, 2, ये भी 3 डिजिट नंबर है, जैसे 0, 9, 3 एक्सेट्रा। ये नंबर भी मिलेंगे हमें, लेकिन ये नंबर क्या 100 और 1000 के बीच लाई करेंगे? नहीं। सो हमें इन नंबर्स को एक्सक्लूड करना है। दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। तो हमें इसका मतलब क्या करना है? 6p3 परम्यूटेशन में से उन नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? हम फर्स्ट प्लेस पे 0 पुट कर दें, 0 फिक्स कर दें, तो हमारे पास कितने नंबर बचे? 5, क्योंकि हमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, हमें रेपिटेशन नहीं करना है। दैट मीन्स हमने अगर फर्स्ट प्लेस पर 0 पुट कर दिया तो हमारे पास कितने नंबर बचे? 5। और इन 5 नंबर्स को 2 वेज में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, क्योंकि हमारे पास प्लेस कितनी बची? 2। तो इन 5 नंबर्स को 2 प्लेस में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5p2। सो जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 5p2। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज कितना होगा? 5p2। तो रिक्वायर्ड नंबर कितने हो गए? 100 और 1000 के बीच कितने रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे जो कि इन डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन से बनते हो? सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 6p3 माइनस 5p2। दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 120 माइनस
20 दैट इज इक्वल्स टू 100 नंबर्स। तो 100 नंबर्स ऐसे हैं जो 100 और 1000 के बीच में हैं, जो कि इन डिजिट से बनाए जा सकते हैं। ओके, ये मेथड वन था। एक और मेथड है, मेथड टू। आपको 100 और 1000 के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने नंबर्स होंगे जो इन डिजिट से बनाए जा सकते हैं। 100 और 1000 के बीच हमने देखा कि वो 3 डिजिट नंबर होंगे। तो अगर वो 3 डिजिट नंबर है, दैट मींस आपको कितने प्लेस है मिले हैं, 3 प्लेस। आपको 3 प्लेस को फिल करना है, और पहले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, isn't it? तो पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? टोटल डिजिट आपके पास कितने हैं? 6। और पहले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, तो पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 5। दूसरे प्लेस में आपने 1 से लेके 5 तक कोई एक नंबर यूज कर लिया है, और चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आप वो नंबर अगेन यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास अब कितने नंबर बचे? अब आप 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपके पास कितने नंबर बचे? 5, isn't it? तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। और थर्ड प्लेस, अब आपने 2 नंबर यूज कर लिए हैं, तो आपके पास कितने नंबर बचते हैं? 4। तो तीसरे प्लेस को आप 3 तरीकों से भर सकते हैं, 4 तरीकों से। और ये सारे जॉब्स कैसे हो रहे हैं? सक्सेसिवली हो रहे हैं। तो हम काउंटिंग का कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो आपको रिक्वायर्ड नंबर कितने मिल जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर, इज इक्वल्स टू 5 × 5 × 4, दैट इज इक्वल्स टू 100। तो इसे सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं।